अभी आप दिल्ली पहुंचिएगा, G20 की जिस हिसाब से चकाचौक दिल्ली जो लग रही है वो लॉस एंजेलिस जैसी लग रही है। दिल्ली का जो, दिल्ली को जो देखने के लिए ना आज पूरी दुनिया दुनिया की आंखें पथरा रही। दिल्ली दिल्ली क्या लग रहा है, आप समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अभी G20 की मीटिंग से पहले हमारे भारत की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी सबको इनवाइट किया, तो यही कहा राष्ट्रपति भारत, भारत की राष्ट्रपति उन्होंने लिखा। और भारत एक ऐसे पोजीशन पर है जहां वो ये नहीं कह रहा है कि देना क्या है, जहां वो ये कह रहा है कि लेना आपको क्या है हमसे, जहां वो ये कह रहा है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करनी है। आज जब G20 की तैयारी हो रही है तो उस G20 में भी भगवत गीता हर एक ब्यूरोक्रेट और हर एक देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भगवत गीता दिया जाएगा। उनका मान सम्मान चंदन टीके से होगा और गेंदे के फूल से होगा, आरती से होगा। अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया था, जिनको बोलना नहीं आ रहा था भारत, जो हिंदू और सिंधु करते रहते थे उन्होंने इंडिया रख दिया था। तो जिस तरह से मॉनसून सेशन में, इस बार अगस्त के मॉनसून सेशन में जिस तरह से हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नए कानून के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कानून पे हमको नहीं चलना है, जिस तरह से हम अपनी संस्कृति के हिसाब से हमारा खान पान, पहनना ओढ़ना, उठना बैठना, भाषा, हमारी सब कुछ मिलती जुलती है हमारे संस्कार और संस्कृति से। अब मैं आपको बताना चाहूंगी शोएब भाई कि संस्कृति में भा का मतलब इमोशन होता है, रथ का मतलब जो होता है वो रिदम होता है। इस भारत में उन मुसलमानों के लिए जगह वाकई में नहीं है, मैं ऐलानिया बोल रही हूँ, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता है। इस हिंदुस्तान में वाकई में उन मुसलमानों के लिए जगह नहीं है जो जो राष्ट्र राष्ट्र संगीत पर खड़ा ना हो, जो तिरंगे झंडे को लहराते वक्त खड़ा ना हो, जो धरती ना चूमे, जो भारत माता की जय ना बोले, ये वाकई में नहीं है। कोई कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, मैं खुद मुसलमान घर से शोएब भाई आ रही हूँ, मैंने अपने बाप की बपौती में ये हिंदुस्तान नहीं लाया है। देखिए पाकिस्तान से मैं बहुत खुला बोलूंगी शोएब भाई, पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं। आज डिफेंस हमारा चौथे पोजीशन पर है इस दुनिया में, पर क्या हमने झांक कर देखा? क्या आपको तकलीफ देने की कोशिश की? अरे आपके आपके सरजमीन पर खुद ही नोचने खसोटने वाले। जानना चाहता हूं कि भारत में, इंडिया में 1947 से पहले की जो हिस्ट्री है, जो मेरे ख्याल से हम सब की एक ही हिस्ट्री है, वो क्या बताई जाती है? और पाकिस्तान में थोड़ा सा हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या हिस्ट्री बताई जाती है 1947 से पहले की, आप काइंडली अगर बताएंगे। नहीं, आपके पाकिस्तान के हिस्ट्री में राजा राम मोहन रे नहीं थे, शिवाजी महाराज नहीं थे, अशोक मराठा नहीं थे, तो बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है जो आपने नहीं पढ़ी है पर हमने पढ़ी है। ठीक है, 4,500 साल से ऋग्वेद बोलिए, भगवत गीता बोलिए, या ग्रंथ बोलिए, या हमारे संस्कार बोलिए, या हमारी संस्कृति बोलिए, या भगवान राम के भाई भरत बोलिए, तो या महाभारता बोलिए, तो आज भारत कोई नया नाम नहीं है शोएब भाई, कोई नया नाम नहीं है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। संविधान में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया भारत। तो ये जो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया था, जिनको बोलना नहीं आ रहा था भारत, जो हिंदू और सिंधु करते रहते थे उन्होंने इंडिया रख दिया था। तो जिस तरह से मॉनसून सेशन में, इस बार अगस्त के मॉनसून सेशन में जिस तरह से हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नए कानून के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश कानून पे हमको नहीं चलना है, जिस तरह से हम अपनी संस्कृति के हिसाब से हमारा खान पान, पहनना ओढ़ना, उठना बैठना, भाषा, हमारी सब कुछ मिलती जुलती है हमारे संस्कार और संस्कृति से। अब मैं आपको बताना चाहूंगी शोएब भाई कि संस्कृति में भा का मतलब इमोशन होता है, रथ का मतलब जो होता है वो रिदम होता है, और भारती का मतलब होता है लवर ऑफ नॉलेज। हम जब भी हनुमान जी की का जाप करते हैं तो हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ज्ञान और गुण को हम हर वक्त याद करते हैं और हर वक्त इन बातों को लेकर के चलते हैं। देखिए भारत, भरत जो थे वो लॉर्ड राम जो है भगवान राम के भाई थे, और भगवान राम के भाई भरत को हर कोई इस दुनिया में जानता है। आज आप भारत के संविधान के पहले पन्ने को देखेंगे तो उसमें भगवान राम की तस्वीर है। आज आप हिंदुस्तान की अदालतों में अगर जाएंगे तो भगवत गीता के नाम पर शपथ दिलाई जाती है और कसम खिलाई जाती है किसी की भी बातों को रखने और स्टेटमेंट के लिए।
तो ये भारत संस्कृति का भारत है, ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, यहाँ की धरती पर वेदों और ग्रंथों को लिखा और रचा गया है, ये वो धरती है जहाँ सनातनी लोग कंकर में भी शंकर को पाते हैं, ये वो धरती है जहाँ हम जय सिया राम बोलते हैं, ताकि ये भगवान राम ने क्यों कहा कि जय सिया राम कहें, ताकि पहले सीता मैया का को मान आदर और सम्मान दिया जाए और तब फिर भगवान राम को पुकारा जाए, ये मैम, संस्कार लेकिन की धरती है। जी लेकिन हमें जो बताया जाता है या पूरी दुनिया में जो चीज ऑब्जर्व की जाती है कि इंडिया या भारत एक सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, जहाँ पे सिख क्रिश्चियन भी रहते हैं, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में रहती है, तो फिर सेकुलरिज्म की अगर बात करें और दूसरी साइड पे अगर आप इस तरीके से जैसे हिस्ट्री बता रही है, नो डाउट ये हिस्ट्री 100% ऑथेंटिक होगी, लेकिन फिर आज के दौर में ऐसी क्या जरूरत पड़ी? कुछ लोगों का ये कहना है जो हम देख रहे थे टीवी पे, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई अपोजिशन ने अपना वो अलायंस बनाया, उसका नाम रखा इंडिया, तो इसलिए गवर्नमेंट को, शायद इंडिया की गवर्नमेंट को ये चेंज करना पड़ा अपना इंडिया से भारत की तरफ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट है, अगर वो सिर्फ इंडिया होता तो इंडिया दिख जाता। और आप देखिएगा पिछले 2 साल से जब भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब भी किसी देश जाते हैं और वो अपने फ्लाइट से जब उतरते हैं तो वो भारत एयरलाइंस लिखा रहता है, इस चीज को नोटिस कीजिएगा, वो कभी भी इंडियन एयरलाइंस नहीं लिखा रहता है, वो भारत एयरलाइंस लिखा रहता है, भारत एकदम अलग से लिखा रहता है। 9 साल पहले, 9 साल पहले योगी महाराज जी ने संसद के अंदर ये कहा था कि भारत कह दिया जाए, इस देश के सबसे बड़े गुरु सदगुरु जी आज से नहीं पिछले 14 साल से कह रहे हैं कि इसको भारत कहा जाए। इसके बाद कांग्रेस जिस इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं आई डॉट एन डॉट की, उसके भी कई लीडर ने ये बात कहा था कि इंडिया को भारत किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों का ये नाम दिया हुआ है और अब जो भारत है वो अंग्रेज के दिए हुए नाम या अंग्रेज की दी हुई प्रथा या अंग्रेज के दिए हुए कानून पर चलने को राजी नहीं है, ना हमें जिन्ना का शरिया लॉ चाहिए और ना ही अंग्रेज का दिया हुआ कानून या उसका नाम चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अभी G20 की मीटिंग से पहले हमारे भारत की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी सबको इनवाइट किया, तो यही कहा राष्ट्रपति भारत, भारत की राष्ट्रपति उन्होंने लिखा, तो यही तो हमारी पहचान है। शोएब भाई मैं आपसे, मैं बहुत मामूली तरीके से मैं बता देती हूँ कि मैं आपसे जब पहली बार इंटरव्यू के लिए बैठी थी तो आपने अपना नाम मुझे बताया था, क्या दोबारा आपको अपना नाम आपका नाम मुझे बताना पड़ा, नहीं या उसको मैं आपका नाम शोएब से शैबी कर दूं तो क्या आपके अस्तित्व को बिगड़ेगा नहीं, क्या बिल्कुल आपका नाम शोएब से मैं श्याम कर दूं तो क्या आपके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को बिगड़ नहीं जाएगा। तो जी उसी तरीके से आप भारत की संस्कृति को देखिए, हमारे उठने बैठने खाने पीने चलने फिरने पहनने ओढ़ने सिंदूर बिंदिया हर चीज में संस्कार है, हर चीज में संस्कृति है, हर चीज में ग्रंथों के बारे में हम उसको अडेप्ट किए हुए हैं, हमारी भाषा भी, हम मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मेरी भाषा भी आपकी तरह नहीं है क्योंकि हम जी संस्कृति मिक्स करके बोलते हैं, हमारी भाषा आप जैसी निकल नहीं सकती है क्योंकि हमारे बोलने चालने से भी पता चलता है कि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं। आज भारत के लोगों को गर्व है, फक्र है कि आज हम इतनी तरक्की याफ्ता हो चुके हैं कि ये वही ब्रिटिश है, ये वही अंग्रेज हैं जिसकी गुलामी कभी भारत किया करता था, और आज ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक जय सिया राम बोलते हैं, जी बिल्कुल, उनकी तो तो ये वही रिसेंटली कल भारत परसों है। स्टेटमेंट भी आई है कि मुझे फखर है कि मैं एक इंडियन ओरिजिन हूँ और मेरी जो मतलब शनाख्त है, जो मेरी पीछे पहचान है, वो इंडियन ओरिजिन के तौर पे, उनकी ये स्टेटमेंट कल या परसों आई थिंक आई थी, तो अच्छी बात है। देखिए हम तो खुद अप्रिशिएट करते हैं कि खास तौर पे डेवलपमेंट को लेके जिस तरीके से पूरी दुनिया में हमारा नेबर कंट्री इंडिया अपना नाम बना रहा है। ये जो भारत है ना शोएब भाई, ये संविधान पर चलता है, ये जो भारत है ये कानून पर चलता है, इस भारत के कल्चर में जब आप आइएगा, अभी आप दिल्ली पहुंचिएगा, G20 के जिस हिसाब से चकाचौक दिल्ली जो लग रही है वो लॉस एंजेलिस जैसी लग रही है, दिल्ली को जो देखने के लिए ना आज पूरी दुनिया दुनिया की आंखें पथरा रही है,
कि भाई दिल्ली दिल्ली क्या लग रहा है, आप समझ रहे हैं? तो आज जब G20 की तैयारी हो रही है, तो उस G20 में भी भगवत गीता हर एक ब्यूरोक्रेट और हर एक देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भगवत गीता दिया जाएगा, उनका मान सम्मान चंदन टीके से होगा और गेंदे के फूल से होगा, आरती से होगा। तो यही हमारे संस्कार हैं भारत के, ये हमारी भारत माता है। इस पूरी दुनिया में मात्र एक ऐसा देश है, ये भारत, जिसको हम अपनी माता मानते हैं, जिसकी मिट्टी से को हम चूमते हैं, जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। अच्छी बात है। देखिए, हर एक का अपना अपना एक कंसेप्ट है, और हमें मतलब कोई किसी भी रिलीजन से तल्लक रखता हो, कोई किसी भी सेक्टर से तल्लक रखता हो, एक दूसरे की हमें सोच को जो है वो एक्सेप्ट करने की जरूरत है, रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। नाजिया जी, ये अब बताइएगा, देखो ना, जैसे मैं मैंने एक इंट्रो में इंफॉर्मेशन बताया। आपको और देना चाहूँ, जी मैं जी एक इंफॉर्मेशन शोएब भाई आपको और देना चाहूंगी कि 7-8 साल पहले सिल्वेस्टर स्टेलन, जो बहुत बड़े हॉलीवुड के जो एक्टर हैं, उन्होंने अपने बेटे का श्राद्ध आ करके यहाँ। ठीक है, 7-8 साल अब एक पहले। फॉरेन कंट्री का इतना बड़ा हॉलीवुड का एक्टर, उसको क्या मतलब चढ़ा था जो वो इंडिया आकर के श्राद्ध करेगा, उसको क्या मतलब चढ़ा? ठीक है, अभी अच्छा, आप सोचो कि आज इंडोनेशिया दे सोचो, आप साउथ अफ्रीका सोचो, आप लंदन सोचो, आप अमेरिका सोचो, हर जगह इस्कॉन टेम्पल होते हैं, हर जगह माँ की आरती को बहुत पूजा जाता है, हर जगह भगवत गीता और हनुमान जी के बारे में बात की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि संस्कार दिखते हैं। ठीक है। अच्छा नादिया जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम थोड़ा सा 1 साल को ऑब्जर्व करें, वैसे तो डेफिनेटली बहुत टाइम से, 4, 5, 6 साल से, 8 साल से ये चीजें हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन बेहतर किए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन 1 साल की हम बात करें, मैं ये समझता हूँ ऑलमोस्ट हर एक हफ्ते में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहीं ना कहीं विजिट रहता है। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया की इस टाइम मजबूरी बन चुका है इंडिया, या जरूरत, मजबूरी कह लें या जरूरत कह लें, मतलब यह ट्रेड अगर किसी ने करनी है, अगर किसी ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहां पे उन्हें जरूर जाना पड़ेगा, जहां पे उन्हें रिलेशन जरूर बेहतर करने पड़ेंगे। नहीं, देखिए, हम तो हमेशा अपनाइत की बात करते हैं, हम तो हमेशा अपनों की बात करते हैं, तो मजबूरी तो मैं ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगी। जी मैं कहूंगी कि अब हम हमारे रिलेशन इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि अब हम एक्वेंटेंस नहीं रहे हैं, अब हम फैमिली की तरह बन गए हैं, एक परिवार की तरह बनते जा रहे हैं। क्योंकि जब एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकल ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए डिस्कशन होता है, जब एक दूसरे के साथ ट्रेड और कारोबार को बैठ करके किया जाता है, एक दूसरे के साथ जब MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है, और भारत एक ऐसे पोजीशन पर है जहां वो ये नहीं कह रहा है कि देना क्या है, जहां वो ये कह रहा है कि लेना आपको क्या है हमसे, जहां वो ये कह रहा है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करनी है, जहां पर वो ये कह रहा है कि ट्रेड की बात करनी है, जहां पर वो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक की बात करनी है, तो ये है हमारा नया भारत, ये है हमारे मोदी का भारत, ये है हमारे योगी का भारत। योगी महाराज जी ने एक बात कही थी कि जो जैसी भाषा में समझेगा उसको वैसी भाषा में समझाया जाएगा। नहीं है अब जगह अफजल गुरु और याकूब मेमन की हमारे भारत में, अब वही इस भारत में रह सकता है जो भारत के बारे में सोचेगा। योगी महाराज जी ने इस बारे में बात कही थी, और 3 दिन पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि आपको कोई कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है, और यदि कोई कहता है कि काम करने की हिम्मत नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो काम करना चाहता नहीं है। क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में उन्होंने 1 दिन की और 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है, और आज जो वो इंडोनेशिया जकार्ता पहुंचे हैं, जहां के प्राइम मिनिस्टर, इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जोको विडोडो, वो उनको रिसीव करने आए हैं, फिर से वही तोपों की सलामी, फिर से वही रेड कारपेट, और फिर से वही भारत का लहराता हुआ तिरंगा झंडा, और 20 एशियन इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट को हम लोग वहां पर अटेंड करने वाले हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री। और इस मीटिंग में विजन ही है कि हब ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल ऐसे ही है।
भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के, और ये कि जो हब ऑफ एशियन ग्रुप इकोनॉमिक है मेरे डेवलपमेंट, ख्याल से, जो बल्कि मैंने थोड़ी दोनों स्टडी की है, उसको लेकर। एशियन ग्रुप दूसरा बड़ा ग्रुप है अगर हम बात करें बिजनेस के हवाले से और ट्रेड के हवाले से, जो ये ग्रुप बना हुआ है ये दूसरा बड़ा ग्रुप है और इसका इंडिया मेंबर है प्रॉपर। कि जिस तरीके से इस टाइम पूरी दुनिया की नजर इंडिया पे है, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज है, खासतौर पे वो कंट्रीज जो चाहते हैं कि आने वाला फ्यूचर हमारा बेहतर हो, वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं और इंडिया भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उनके साथ ताउन कर रहा है, रिलेशन बेहतर करने की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन जो नेबर कंट्री है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जितने भी इर्द गिर्द कंट्री हैं, आपको लगता है कि इंडिया उनको भी उसी तरीके से देख रहा है, उसी तरीके से ही हेल्प करना चाह रहा है या फिर उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? देखिए, पाकिस्तान से मैं बहुत खुला बोलूंगी शोएब भाई, पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं। आज डिफेंस हमारा चौथे पोजीशन पर है इस दुनिया में, पर क्या हमने झांक कर देखा? क्या आपको तकलीफ देने की कोशिश की? अरे आपके आपके सरजमीन पर खुद ही नोचने खसोटने वाले लोग जन्मे हुए हैं ना। आपकी सरजमीन पर किसी को भी आक्रमण करने की या किसी को भी वॉर करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से खुद को मार रहे हैं, आप खुद से खुद को खत्म कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आज ऐसी क्या नौबत आ गई है कि जो इस्लामिक देशों को हमसे बात करनी पड़ रही है? हम तो मंदिरों में माथा टेकने वाले लोग हैं ना। हम तो वो हैं जो आरती की बात करते हैं ना। हम तो वो हैं जो हनुमान जी की बात करते हैं ना। हम तो वो हैं जो माला जपने की बात करते हैं ना। हम तो वो हैं जो समुन्द्र में भी गंगा मैया ढूंढ लेते हैं ना। तो हम तो वो हैं, तो फिर इस्लामिक देश को हमसे बात करने की क्या जरूरत है? कहते हैं कि जो इस्लामिक देश होता है उसका निगहबान खुदा होता है, तो क्या खुदा भी नाराज हो गया है पाकिस्तान से या इस्लामिक देशों से? खुदा नहीं मैम, अगर भी आपके नाराज वो हो गया देखें, है कि तुम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके पॉइंट से डिसएग्री करूंगा। देखें, अगर मैं ये समझता हूं कि अगर इंडिया आज इस बुलंदियों पे है या डेवलपमेंट की तरफ तेजी से जा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने मेहनत के ऊपर और हमेशा पहल की है बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर ऐसी सोच रखी जाएगी, मैं मतलब आप मेरे पॉइंट से डिसएग्री भी कर सकती हैं, लेकिन अगर ऐसी सोच अगर रखी जाएगी कि भाई वो कंट्री क्यों मेरे से रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है, आज ही वो क्यों मेरे से रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आपने ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज की बात की है या इस तरीके से बात की है, तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा एरोगेंट या थोड़ा सा इस तरीके से आप गेस्टर जाता है कि भाई इंडिया वाले तो थोड़े बिल्कुल बेशक शोएब भाई, बिल्कुल बेशक शोएब भाई, कि हमने बे इंतहा मेहनत की है। हमारे इस देश के, हमारे भारत के जो मुखिया हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है, पर 4,500 साल से हमारे पूर्वज, हमारे भगवान ये बता रहे हैं कि सक्सेस को कैसे फोकस किया जाता है, सक्सेस को कैसे अचीव किया जाता है, मेहनत पर कैसे बात की जाती है। एक तरफ भगवान राम और भरत है जो अपने भाई के चप्पल खड़ौन को लेकर के खड़े हो गए थे और जेल में भेजकर अपने पिता का सर काट दिया था। तो अब आप बताएं कि हम किसको पढ़े? हम नवाब वाजिद अली शाह को पढ़े? हम टीपू सुल्तान को पढ़े? हम किसको पढ़े जिसके बाल बच्चे आज बर्तन धो रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं कर्नाटका में, या पश्चिम बंगाल में जो नवाब वाजिद अली शाह के बच्चे पतंग बना रहे हैं 25 पैसा का? हम इनको पढ़े या हम भगवान राम को पढ़े या भगवान शिव को पढ़े या विष्णु के बारे में पढ़े या भरत जी के बारे में पढ़े? तो यहां से हमें आता है एनर्जी। जब हम वेदों में, ग्रंथों में, भगवत गीता में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमें और कितनी मेहनत करनी है, हमें और कितना फोकस करना है, हमें और राष्ट्र से कितनी मोहब्बत करनी है। इस राष्ट्र की तरक्की में हमारी तरक्की है, मैं तो ये तो कहना ये चाहूंगा चीज कि आपने बोला हम किसको पढ़े, हमें तो हर एक को पढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है, जहां से भी कुछ बेहतर, जहां से भी कुछ सीखने को मिले हमें वो जरूर सीखना चाहिए। पर किसी आप की कामयाबी से सीखने को मिले या किसी की नाकामी से सीखने को मिले, हमें देखिए, सीखना चाहिए। पर औरंगजेब, यहाँ तो हमारे हिंदुस्तान में तो आज भी कुछ लोग हैं ना जो औरंगजेब के कब्रिस्तान में जाकर के फूल चढ़ाते हैं ना, संविधान मानने को तैयार नहीं है ना। इस भारत में उन मुसलमानों के लिए जगह वाकई में नहीं है। मैं ऐलानिया बोल रही हूँ जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता है। इस हिंदुस्तान में वाकई में उन मुसलमानों के लिए जगह नहीं है जो जो राष्ट्र राष्ट्र संगीत पर खड़ा ना हो, जो तिरंगे झंडे को लहराते वक्त खड़ा ना हो, जो धरती ना चूमे, जो भारत माता की जय ना बोले। ये वाकई में नहीं है। कोई कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, मैं खुद मुसलमान घर से शोएब भाई आ रही हूँ, मैंने अपने बाप की बपौती में ये हिंदुस्तान नहीं लाया है।
हमें खुद से पहले, अपनी तरक्की से पहले इस देश की तरक्की के बारे में सोचना है। तो ऐसे लोग जो आज जो औरंगजेब के कब्रिस्तान पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं, क्या क्या औरंगजेब के बारे में जानते नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि इस्लामिक देश में औरंगजेब की कुरनीतियां, दुर्नीतियों को छुपाया गया है किताब में, लेकिन यहां से लेकर के इस पूरी दुनिया को पता है कि औरंगजेब ने क्या किया था। ठीक है, अब तो सोशल मीडिया है और इसके अलावा अब हिस्ट्री जिस तरीके से सामने आ रही है, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, बहुत से लोगों को जो सच्चाई है, जो रियल हिस्ट्री है, उसके बारे में पता चल रहा है। औरंगजेब हो, उन्होंने क्या किया, इसके अलावा जितने भी हैं, उन्होंने जो जो चीजें, जितने भी यहाँ पे लोग आए, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब। जी, अल्लामा इकबाल का एक शेर है। आज पहली बार शेर शायरी करने का मन कर रहा है मेरा सुबह सुबह। अजीब खेल है खुदा के मानने वालों का, बेवफाई करो तो रोते हैं।